स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम्स वेव के अंदर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नए से नए जो भी अपडेट हैं वो आपको अवेलेबल हो जाए तुरंत। ठीक है, तो आज हम आपके सामने टॉपिक लेके आए हैं ब्लड रिलेशन का, जिसे कि कहते हैं रक्त संबंध। अब रक्त संबंध बहुत ही ईजी टॉपिक है, लेकिन पता नहीं स्टूडेंट्स के बीच में ये कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि हम है ना उसको अपनी जो रियल लाइफ है उससे जोड़कर नहीं देखते उसको। जब हम ब्लड रिलेशन हमारे जीवन में ही रिलेटेड होते हैं, हमारे भी कोई पिताजी लगते हैं, हमारे भी कोई बच्चे लगते हैं, पुत्र पुत्री, ठीक है, हमारे कोई दादा लगते हैं, कोई नाना लगते हैं, ये सब रिलेशन है जो हमारे एक्चुअली में होते हैं। तो यदि हम उन क्वेश्चंस को अपने ऊपर डाल के अपन सोच के अगर उनको सॉल्व करें तो वो बहुत इजी पड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ टाइप के क्वेश्चन है जो आज हम आपके लिए लेके आए हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं इसका, ये क्या है। तो ब्लड रिलेशन, जैसे कि इसको कहते हैं रक्त संबंध। क्या कहते हैं? रक्त संबंध। रक्त संबंध क्या होता है? किन्हीं व्यक्तियों, पुरुष स्त्री, इनके बीच संबंधों को दर्शाता है। और रक्त संबंध यानी हमारे जो ब्लड रिलेटिव हैं, यानी हमारे फैमिली मेंबर्स, उनके बारे में ये बताता है। जैसे कि पिता और पुत्र के बीच में बताना है, पहले तो मैं भाई ये बताता हूँ कि मैं रिप्रेजेंट कैसे करूँगा। एक महिला यानी कि फीमेल, फीमेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से या फिर नेगेटिव सिंबल से। पुरुष को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर से या फिर पॉजिटिव सिंबल से। ये बात समझ में आई? अगर मैं इनके बीच में रिलेशन बनाना चाहूँ, जैसे कि मैंने ये रिलेशन बनाया, तो ये इसका भाई लगेगा और ये इनकी बहन लगेगी, क्योंकि ये एक महिला है और ये एक पुरुष है। दोनों एक ही लेवल पे जुड़े हुए हैं, यानी इनकी जो जनरेशन है वो क्या है? एक ही है। ठीक है, वो जनरेशन क्या है? एक ही है। इसलिए ये दोनों, इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या हुआ? भाई बहन का। किसका रिश्ता हुआ? भाई बहन का। अगर यही रिश्ता मैं यूं बना दूं कि ये क्रॉस कर दूं, तो इसका मतलब क्या है? इनके बीच कौन सा संबंध है? पति पत्नी का। ये इसका पति लगा और ये इनकी पत्नी। इतना आया समझ में? क्योंकि ये एक ही जनरेशन में है और क्रॉस लगाने से समझ जाना है हमें कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप किसका है, हस्बैंड वाइफ या पति पत्नी का। यदि मैं रिलेशन यूं बना दूं तो ये रिलेशन है भाई भाई का। किसका रिलेशन है? भाई भाई का। अगर ये रिलेशन यूं बना दूं तो ये है बहन बहन का। ठीक है, रिलेशन अगर यूं बना दें तो ये पिताजी हैं और ये क्या है? पुत्री यानी डॉटर, और ये क्या है? फादर। अब ये पिता पुत्री क्यों हो गए? क्योंकि इनके बीच में जनरेशन गैप आ गई। ये इस डायग्राम में ये फर्स्ट जनरेशन है और ये जनरेशन कौन सी हो गई? सेकंड जनरेशन। ठीक है, अब जनरेशन का भी देख लेते हैं। यहाँ तक आपको कहानी मोटा माटी समझ में आ गई, तो नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या होता है जनरेशन। जैसे मैं अपने आप को यहाँ पे मानता हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, तो मेरे से ऊपर मेरे पिताजी होंगे और मेरी माताजी होंगी, मेरे चाचा होंगे, ठीक है, मेरी बुआ जी होंगी, मेरे मामा होंगे, मेरी मौसी होगी, ये होंगे ना। क्योंकि देखो रिलेशन बनाया है ना, जो जेंडर यानी मेल होगा मेरे ऊपर, वो मेरा क्या होगा? पिताजी यानी फादर। और जो फीमेल होगी, जो कि उनसे शादी की है, वो क्या होंगी? मेरी मम्मी होंगी यानी मॉम या मदर। और जो मदर की साइड का क्या होगा? जो मेल होगा जो कि उनकी ही जनरेशन में है, वो मेरा क्या लगेगा? मामा जी लगेगा। और लड़की जो होगी, फीमेल जो होगी, वो मेरी क्या लगेगी? मासी या मौसी, इंग्लिश में तो आंटी बोलेंगे, आंट और अंकल। ठीक है, ये मेरे चाचा जी हो जाएंगी, ये मेरी बुआ जी हो जाएंगी, बुआ जी से किसी ने शादी करी तो वो मेरे फूफा जी हो जाएंगे। ठीक है, इससे ऊपर जैसे ही जाऊंगा मैं तो वो मेरे दादाजी लगेंगे, और इनके जो पिताजी होंगे वो मेरे क्या लगेंगे? नाना जी।
तो अब इनसे ऊपर जाएंगे तो परदादा, परनानी, परनाना, इससे नीचे आएंगे तो वो मेरा पुत्र हो जाएगा यानी मेरा सन, इससे नीचे आएंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये क्या होंगे, ये जनरेशन कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट जनरेशन, जो हमारे दादा वाली होती है। पिताजी वाली कौन सी, सेकंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन मेरी वाली, फोर्थ जनरेशन मेरे पुत्र तक की, और फिफ्थ जनरेशन कौन सी, मेरे पोते तक की, यानी मेरे ग्रैंड सन तक की, ठीक है, मेरे ग्रैंड फादर तक और मेरे ग्रैंड सन तक, यानी ये पांच पीढ़ियों का डायग्राम होता है और रिलेशन इससे ऊपर कहीं नहीं जाता। ग्रैंड सन से ग्रेट ग्रैंड नहीं आता, ग्रैंड ग्रैंड ग्रेट ग्रैंड ये वर्ड नहीं आते, बस ग्रैंड सन ग्रैंड फादर लास्ट यहां तक ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो क्या होगी, ये जनरेशन होगी, जनरेशन गैप होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। आइए अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं हम इसके समझने के लिए। जैसे देखिए अब इसमें क्या होता है, फैमिली ट्री बनाते हैं, क्या बनाते हैं इसमें, फैमिली ट्री बनाते हैं। अब जैसे ये पजल रूप में हमारे पास एक आया है, क्या, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, तो इसमें ये कहता है ए सी डी ई जी एंड एच, तो कितने हो गए, ये छह जने हो गए, कितने जने हो गए, सिक्स पर्सन है ये, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ थ्री जनरेशन, इनके अंदर जनरेशन कितनी है, ध्यान रखना अपने को, तीन, ठीक है। फोर ऑफ देम आर फीमेल, अब चार इसमें क्या है, फीमेल, यानी दो क्या है, मेल, ठीक है। अब ये यहां से शुरू करता है, यहां तक तो हो गया फीमेल का बता दिया, अब बोल रहा है डी एंड ए आर द डॉटर एंड सन ऑफ के रेस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः यानी डॉटर नाम पहले आया है तो डॉटर कौन है, डी डॉटर है, और ए क्या है, सन, ए क्या है, सन है, यानी पुरुष हो गया ना वो, किसका, के का। अब के बारे में नहीं पता है ये पिताजी हैं या माताजी, ठीक है। एंड बोथ आर मैरिड, और ये दोनों के दोनों ही क्या है, शादीशुदा, ये लड़की है तो ये लड़के से शादी करेगी ना, और ये लड़का है तो ये किससे शादी करेगा, लड़की से, दोनों के दोनों क्या है, मैरिड हैं। ई इज सिस्टर ऑफ एच, ई है जो एच की सिस्टर है, इधर अलग लिख लेते हैं क्योंकि यहां ई का नाम नहीं आया, ई है जो सिस्टर है किसकी, एच की। अब एच के बारे में नहीं पता कि वो लड़का है या वो लड़का है या लड़की। ई इज सिस्टर ऑफ एच हुज फादर इज सी, जिसके की पिताजी कौन है, सी, जिसके पिताजी कौन है, सी, चलो ठीक है। अब सी को उसका पिताजी बना दिया, अब सी भी यहां पे नहीं है। अब क्या बोल रहा है, एम एंड जी आर थर्ड जनरेशन, एम और जी है ना, ये कौन सी जनरेशन में है, थर्ड जनरेशन में, कौन सी जनरेशन में, थर्ड में। एंड एम इज द सन इन लॉ ऑफ ई, और जो एम है जो सन इन लॉ है किसका, ई का सन इन लॉ, यानी कि इसकी कोई बेटी होगी उससे शादी करेगा, ई का सन इन लॉ, एम इज द सन इन लॉ ऑफ ई, ठीक है। और के इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एच, अब के है जो क्या है, ब्रदर इन लॉ है किसका, एच का, यानी ये इसकी बहन है, इससे शादी कौन कर रहा है, के। तो जैसे ही के नाम हमारे सामने आया, के का है ये रहा, तो इससे कौन जुड़ जाएगा, ई जुड़ जाएगा, कैसे, सर्कल से, ये इसकी पत्नी है। अब ई से कौन जुड़ा था, एच, ये जुड़ गया एच। अब एच से कौन जुड़ा था, सी, ये जुड़ गया, और ये क्या था, पिताजी, ठीक है, यहां तक हो गया। और यहां पे कौन था, हमने क्या पढ़ा था, एम इज सन इन लॉ ऑफ ई, एम है जो सन इन लॉ है ई का, और ई की कौन, बेटी, तो बेटी कौन है, डी, तो एम यहां आ जाएगा। अब एम और जी क्या है, थर्ड जनरेशन पे है, तो एम यहां आ गया तो जी कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। अब बताओ छह के छह बैठ गए या नहीं बैठ गए, चार, नहीं नहीं ए बी सी डी, ए बी ए सी डी ई जी एंड एच, हाँ बैठ गए सारे, और ये के का नाम इसमें आया नहीं था पर इधर दे दिया अंदर, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बोल रहा है महिलाएं कितनी हैं, चार। कितनी महिलाएं हैं, चार, एक दो तीन, और देखो पुरुष है बाकी, तो ये एच क्या आ जाएगी, महिला। क्यों? क्योंकि यहां कहा गया था फोर क्या है, फीमेल है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है हु अमोंग द फॉलोइंग इज सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, डी की सिस्टर इन लॉ कौन है, डी की सिस्टर इन लॉ कौन होगी, यानी इसका भाई, भाई की जी, यानी उसकी वाइफ, तो कौन आएगा, जी। सिस्टर इन लॉ कौन होगी, हु अमोंग द फॉलोइंग सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, यानी डी की सिस्टर इन लॉ कौन होगी जो उसकी भाई से शादी करेगी, और वो कौन है, जी, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे को फैमिली ट्री बनाना होता है और फिर बाद में ऑप्शन लगाने होते हैं। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसा होता है, ये होता है कोडेड फॉर्म में। ये क्या होता है, कोडेड फॉर्म में, ठीक है। इसमें कोड दिया जाता है कि P प्लस क्यू, इसको कहा जाता है P Q की माता है, यानी P मम्मी है किसकी, Q की। P इंटू क्यू, P Q का पिता है, यानी पिता कौन है, P। P माइनस क्यू, यानी P Q का भाई है, यानी P है जो भाई है किसका, Q का। अब यहाँ P डिवाइडेड बाय Q है, तो ये Q P की पत्नी है, यानी इधर रिवर्स हो गया। तो हमारे को ये जो इधर वाले जो इंस्ट्रक्शंस है ना, कौन से, राइट हैंड साइड वाले, कौन से, राइट हैंड साइड वाले, वो जरा हमें ध्यान से देखने होते हैं। बस ध्यान से क्या देखना होता है, हमें देखना होता है इसका स्टार्टिंग इसके स्टार्टिंग से होना चाहिए, और जिसका नहीं है उसका विशेष ध्यान रखना होता है। तो किसका नहीं है, डिवाइड का, तो इस पे स्टार लगा लेना है, यानी इसमें रिवर्स रिलेशन है। यानी सब में तो क्या था, पहले वाला हो रहा था जो रिलेशन बता रहे थे, यानी यहाँ पे माँ कौन है, पी, यहाँ पे पिता कौन है, पी, यहाँ पे भाई कौन है, पी, लेकिन यहाँ पे पत्नी कौन है, पी नहीं है, कौन है, क्यू, राइट हैंड साइड वाली। अब यहाँ पे बताना है कि इन संबंधों को देखते हुए ये बताना है कि जी एस का चाचा है, यानी जी चाचा एस का है, यानी इसका कोई भाई होगा और उसका ये एस कोई बेटा या बेटी होगी, तो जी उसका चाचा लगेगा। ये रिलेशन अपने को बताना है, और इनमें से किसमें है ये रिलेशन, तो हम देखते हैं। आओ सबसे पहले मैंने लिया एस प्लस एम डिवाइडेड बाई एन माइनस जी, यानी जी यहां पे एक पुरुष होना चाहिए तभी तो चाचा बनेगा ना, अगर ये महिला हो जाएगी तो कैसे बनेगा चाचा, ठीक है। अब देखते हैं कहां से शुरू करें, यहां से करें या यहां से, तो जी यहां से आ रहा है ना, तो यहीं से शुरू कर लेते हैं। इधर से शुरू किया, माइनस है बीच में, क्या है, माइनस, तो माइनस के लिए क्या है, स्टार्टिंग वाला भाई है, यानी कौन है भाई, एन, एन भाई है किसका, जी का, ठीक है। फिर एन और एम में डिवीजन है, तो डिवीजन यानी एन पत्नी। अब ये बोल रहा है देखो पी डिवाइडेड बाय क्यू लिखा हुआ है ना, यानी एन पत्नी। अब एन पत्नी कैसे हो सकती है, एन तो पहले पुरुष डिक्लेयर हो गया ना, इसलिए ये जो है ये इक्वेशन क्या है, गलत है। तो अपना पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन है टी मल्टीप्लाइड बाई जी माइनस क्यू प्लस एस, ठीक है। अब इसमें इधर से लेते हैं क्योंकि जी इधर है ना, चलो इसको इधर से लेते हैं, जी इधर है तो पहले मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, पिता कौन है, स्टार्टिंग वाला, यानी टी पिता है किसका, जी का, चलो ठीक है। अगला क्या है, जी माइनस क्यू, जी माइनस क्यू यानी पी भाई आएगा, कौन है, जी भाई है किसका, क्यू का, चलो ये बनता नजर आ रहा है। अब अगले में क्या है देखो, क्यू प्लस एस, क्यू प्लस एस, तो माँ है कौन, क्यू, क्यू माँ है किसकी, एस की। अब ये तो मामा हो गया, चाचा नहीं हुआ, इसलिए ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट में क्या बताया है, नेक्स्ट इक्वेशन में जी माइनस एम प्लस एस। अब इसको लेते हैं क्योंकि जी साइड है ना, तो जी माइनस एम का मतलब क्या है, जी भाई है किसका, एम का, जी है जो भाई है किसका, एम का। और प्लस, प्लस यानी क्या है, माँ कौन है, स्टार्टिंग वाली, यानी एम माँ है किसकी, एस की, यहाँ पे भी मामा बन रहा है, इसलिए ये भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे आते हैं चौथे में, चौथी इक्वेशन में क्या है, जी माइनस एम डिवाइडेड बाई टी प्लस एस, माइनस एम, माइनस जी क्या बनेगा, भाई किसका, जी भाई है एम का।
और एम और टी के बीच में डिवाइड है, डिवाइड के लिए क्या आया है, दूसरे वाले का पत्नी है, यानी टी पत्नी है किसकी, एम की, यानी टी पत्नी है एम की, बन गया ये। अब टी और एस के बीच में क्या रिलेशन है, प्लस का, प्लस यानी माँ, कौन है, टी माँ है किसकी, एस की। अब देखो रिलेशन आ गया, ये इसकी मम्मी है, ये इसके पापा हैं, और पापा का भाई क्या होगा, चाचा या ताऊ, तो अपने को चाचा ही बताना था, तो कौन सी इक्वेशन हमारी सही हो जाएगी, फोर्थ सही हो जाएगी। तो इस टाइप से हमारे को ट्री बनानी होती है, और इन टाइप के क्वेश्चन हमारे आते हैं जिन्हें हम ऐसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब एक बात और कहना चाहता हूं मैं, हमारे जो पेड कोर्सेज हैं वो www.examswave.com पे आ चुके हैं, जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।